तो पिछले सेशन में भी हमने जो है एक प्रोजेक्ट आपको बताए थे कि जैसे कि उसको जो है सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व बोले तो यानी कि रिसीप्ट में जो होता है हमारा क्या वाउचर में उसका एंट्री कराना था और उसको जो है हमने सॉल्व भी करके दिखाया था। लाइक एक और प्रोजेक्ट हम देखते हैं ठीक है कि कैसे होता है रिसीप्ट का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिस्टर राम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश RS 1 लाख रुपीज। उसके बाद में ही रिसीव्ड कमीशन RS कितना यहाँ पे आपको दे रहा है 1,000 रुपीज कॉमा रिसीप्ट रूम रेंट ठीक है 4,000 रुपीज कॉमा इंटरेस्ट रिसीप्ट 1,500 रुपीज एंड प्रोफेशनल फी रिसीप्ट 8,000 रुपीज देन शो बैलेंस शीट ठीक है। यानी कि उसके बाद में आपको बैलेंस शीट शो करना है। अभी सवाल क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि मिस्टर राम यानी कि मिस्टर राम क्या है कोई एक पर्सन है ठीक है जो कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक कितना से स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपीज से। 1 लाख रुपीज लगा के वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। अब उस बिजनेस से उनको कुछ प्रॉफिट होता है ठीक है यानी कुछ मिलता है जैसे कि वहाँ पे आप उनको कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई 1,000 रुपीज मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे रिसिप्ट भी मिल रहा है सॉरी रूम रेंट मिल रहा है जो कि उसमें जो भी रूम होगा उसको रेंट पे लगा सकते हैं तो उससे उनको मिला होगा कितना 4,000 रुपीज ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसिप्ट ठीक है वो उनके बिजनेस से ही मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसिप्ट उनको हो रहा है कितना 1,500 रुपीज एंड प्रोफेशनल फी रिसिप्ट। प्रोफेशनल फी यानी कि जो डायरेक्ट उसका इनकम है वो इनको कितना मिल रहा है 8,000 रुपीज। तो देन शो बैलेंस शीट ये सब आपको हो रहा है। लास्ट में आपको बैलेंस शीट देखना है कि उनको जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो लॉस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जितना भी है आपको जितना भी इनकम हो रहा है क्या जी उनके पास आ रहा है, जहाँ तो कुछ रहा नहीं है ठीक है। तो केवल यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होगा। तो सिंपल बात है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या, जैसे कि मान लीजिए जोड़ लीजिए जो भी यहाँ पे इनकम है वो आ रहा है आने के मतलब ये सबको ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1,000 ये हो गया 4,000 ये हो गया यानी कि 5,000 हो गया और 5,000 हो गया यहाँ पे 1,500 हो गया 6,500 हो गया और ये जो है आपका 8,000 हो गया 14,500 हो गया। ऐसे ही हमको कैलकुलेशन एकदम साफ दिख रहा है। बट इसको हम लोग टैली में कैसे कैलकुलेट करेंगे कैसे बनाएंगे तो हम लोग को देखना है टैली में। ऐसे यहाँ पे हमने इसका प्रोसेस भी लिख दिया है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लाइक फर्स्ट में क्या करेंगे एक कोई कंपनी क्रिएट करेंगे ठीक है यानी कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद में उसमें लेजर बनाएंगे कि इसमें क्या क्या एंट्री हो रहा है। जैसे कि एंट्री में आपका सबसे पहले क्या लगा रहा है पूंजी लगा रहा है यानी कि कुछ पैसा लगा रहा है कैपिटल। नेक्स्ट यहाँ पे जो उनको हो रहा है कमीशन मिल रहा है तो कमीशन का एक लेजर बनेगा। ये सब आपको लेजर क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे उस लेजर में आपको क्या करना है एंट्री कराना यानी कि भाउचर एंट्री होता है जो भी पैसा ले रहे हैं उसको एंट्री कराना होता है और लास्ट में आपको शो बैलेंस शीट देना होता है। तो इस नोट्स को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आसानी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको लेजर भी लिखा हुआ है कि लेजर में क्या रहेगा अंडर में क्या रहेगा। तो लाइक यहाँ पे लेजर में जैसे कैपिटल का कैपिटल अकाउंट में जाएगा कमीशन का कमीशन में जाएगा यहाँ से इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मतलब जो जो चीज़ आता है वो सब चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन रहता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको टैली में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लाइक यहाँ से हम जो है टैली को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है टैली ओपन हो रहा है। अगर पिछला प्रोजेक्ट आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए अच्छा से समझ में आएगा। इसके बाद में यहाँ पे इसका स्टार्टअप आता है तो यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाने के लिए ऑल्ट के साथ में W प्रेस करेंगे आ जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। आपको बताए थे कि जब भी कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं मतलब टैली में काम कर रहे होते हैं पहले से और कोई कंपनी बना रहता है तो क्या होगा जब भी ओपन करेंगे तो वो जो है पिछला कंपनी जो भी बना रहा होगा पुराना ओल्ड कंपनी उसी के साथ ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है जीरो इसी के साथ ये जो है ओपन हुआ है। तो हमको इससे इसको नहीं रखना है। हमको क्या करना है न्यू अपना ये कंपनी बनाना है। जितना भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जितना भी मतलब क्वेश्चन बनाएंगे सबके लिए हमको एक न्यू प्रोजेक्ट होना चाहिए ठीक है। तो बस सॉरी न्यू कंपनी होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कंपनी क्रिएट करना होगा। लेकिन कंपनी क्रिएट होता कहाँ पे है तो अभी कहाँ पे है गेटवे ऑफ टैली में है। लेकिन कंपनी क्रिएट होता है कहाँ पे कंपनी इन्फो में। तो कंपनी इन्फो में जाने के लिए
ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं, आ गए कंपनी इन्फो में। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा कंपनी यहाँ पर ओपन है इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम जो है सर्च कंपनी में जाएंगे एरो की से और यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ पे वो कंपनी आ जाएगा। एक बार और इंटर करने के वो कंपनी हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे वो कंपनी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट जाएंगे, हमको नया कंपनी बनाना है तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे और कोई एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कंपनी बना लिया, यहाँ पे कंपनी का नाम दे दिया, यहाँ से इंटर कीजिए। आपको जो है कंपनी क्रिएशन बताए थे कि सभी चीज़ें जो है अनिवार्य नहीं है, जो चीज़ आपको डालना है डालिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि दो चीज़ इसमें अनिवार्य है, एक जो है आपका कंपनी का नेम, ठीक है, उसके बाद में कंट्री, किस कंट्री से आप मतलब यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए स्टेट आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ फाइनेंशियल जो भी डेट होता है यह डालिए। उसके बाद में आपको बता देते हैं, अगर ये जो है बार बार आपको इंटर करना पड़ रहा है ना इसको एक्सेप्ट कराने के लिए, तो आप केवल कंट्रोल के साथ में एक कर देंगे ना तो क्या होगा, ऑल सेव, एक के साथ में पूरा जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, बार बार आपको इंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह हमारा एक कंपनी बन गया JTS। यहाँ पे कह रहा है कि नो वाउचर इंसर्ट, यानी कि अभी जो है न्यू कंपनी बनाई इसमें कोई वाउचर नहीं है, तो वाउचर हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो काम था वो हो गया, यानी कि कंपनी क्रिएशन हो गया। नेक्स्ट में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे इसलिए हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट में क्या है, कंपनी क्रिएशन हो जाएगा, सॉरी कंपनी क्रिएशन हो गया। उसके बाद में लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर भी बना दिए हैं। कैसा, कौन कौन सा लेजर बनेगा भाई, लेजर के लिए आपको क्या करना होगा, जाना पड़ेगा अभी यहाँ कंपनी इन्फो में, जाना होगा गेट वेब टेलिंग में। उसके लिए एस्केप कीजिए और यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में जाइए। उसके बाद में नीचे आपको लेजर में जाइए, यहाँ से कोई भी लेजर बना सकते हैं। लाइक आज जो है मल्टीपल लेजर बनाते हैं, तो मल्टीपल लेजर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटर कीजिए नेम ऑफ लेजर। तो नेम ऑफ लेजर में जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमको कैपिटल बनाना है, ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ से जैसे ही टैब प्रेस कीजिएगा, नेक्स्ट में अंडर में आ जाएगा, तो अंडर में क्या हो जाएगा, या इंटर प्रेस कीजिएगा तो भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल जो हमारा होता है वो हमारा होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ से इंटर कीजिए, आगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आपको कुछ बैलेंस नहीं देना है क्योंकि बैलेंस जो एंट्री करेगा वाउचर एंट्री उसमें देना है, तो यहाँ से इंटर कीजिए। नेक्स्ट सेकेंड हमारा लेजर क्या था, अब आपको जो है क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, तो लाइक यहाँ से कमीशन बना देते हैं, कमीशन REC कर देते हैं, यानी कि रिसीप्ट, इससे आपको मालूम चले। इंटर कीजिए, कमीशन क्या होता है, रिसीप्ट हो रहा है यानी कि इनकम हो रहा है, लेकिन कमीशन हमारा डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट आता है, तो इसलिए हम इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। यहाँ से इनकम हो जाएगा, फिर इंटर कीजिए। उसके बाद में इंटरेस्ट भी है, ये भी आपका रिसीप्ट हो रहा है, तो यहाँ से भी आपको क्या हो जाएगा, लाइक वही हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ से इनडायरेक्ट हो गया, फिर से इंटर कीजिए। उसके बाद में क्या चीज़ है, रूम रेंट भी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज बनाएं, यानी कि जैसे उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लेजर बना सकते हैं ऊपर के नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे रूम रेंट जो होता है क्या होता है, आप जो है यहाँ पे रूम रेंट इनडायरेक्ट इनकम लिखा हुआ है, बेसिकली इनडायरेक्ट ही होता है, लेकिन आप जो है कहीं कहीं आप जिसको डायरेक्ट में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कंपलसरी में। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है ये तो मालूम होगा आपको, डायरेक्ट मतलब जो है कंपलसरी हो, ठीक है, रिसीप्ट लेना, और इनडायरेक्ट मतलब जैसे कि मान लीजिए टाइम टू टाइम, जैसे आज जो है आपका रूम रेंट लग गया, ठीक है, तो अगर रूम मालिक कहे कि नहीं आज ही मुझे रुपये चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से रूम से निकाल दूंगा या जो भी हो, ठीक है, आज का आज चाहिए, तो आपका जो है डायरेक्ट में आता है जो आज का आज चाहिए, और जो जो है मतलब कुछ दिन टाल दिया जाए आज प्यान ऐसे, तो वो इनडायरेक्ट में आ जाता है, तो इसको इनडायरेक्ट में ही रखिए। तो यहाँ से रूम रेंट हो जाएगा IN इनडायरेक्ट इनकम। सिंपल है, आपको मतलब शुरू का अक्षर जो है लिखिएगा लेटर, तो ऑटोमेटिक जो है आपको ले लेगा, आ जाएगा। कितना लेजर बनाना था आपका, यहाँ से 5, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट बनाना था कैपिटल का, कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, रूम रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद में एक और बनाना है प्रोफेशनल फी का, ठीक है, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं।
प्रोफेशनल फी रिसीव्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर कीजिए और देख लेते हैं और भी है। तो क्वेश्चन बस इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो क्या कीजिए, यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, इंटर कीजिए और ये जो है आपका एक्सेप्ट हो गया, यानी कि आपका जो है लेजर क्रिएट हो गया। डिस्प्ले करना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए जो जो लेजर हमने क्रिएट किया था वो सब लेजर यहाँ पे आ गया है। अब हमको क्या करना है, एंट्री कराना है वाउचर एंट्री। तो इसके लिए हमको जाना कहाँ होता है, अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आपको अकाउंटिंग वाउचर दिखेगा, इस पर जाइए, इंटर कीजिए। अब हमको करना क्या है, पैसा लेना है, देना नहीं है। तो लेने के लिए आपको बताया था क्या चीज़, F6 बोले तो रिसीप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे क्या होते हैं, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसमें कुछ पूंजी लगाते हैं, यानी कि कैपिटल लगाते हैं। तो यहाँ से कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब पूंजी में जो है आपको जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से बनाना है। तो पूंजी में आपको 1 लाख जो है कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अकाउंटिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज, ठीक है, इंटर करेंगे। क्या दिया हुआ है, कैश में दिया हुआ है, तो कैश यहाँ से करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट हमारे इंट्री हो गया। नेक्स्ट उसी तरह यहाँ से आप जो है क्वेश्चन प्रोजेक्ट पढ़ते रहिए और देखते रहिए। देखिए यहाँ पे आपको उसके बाद में नेक्स्ट में क्या चीज़ है, कमीशन जो है 1000 है, तो इंट्री कराइए। यहाँ से कमीशन को सिलेक्ट कर लीजिए, बगल में आपको लिस्ट आएगा, यहाँ से 1000 रुपये अमाउंट डालिए, इंटर कीजिए। ये भी आपका कैश में जाएगा और यहाँ से एक्सेप्ट कराइए। उसके बाद में क्या है, हमको भी याद नहीं है क्या क्या चीज़ है इसमें है। उसके बाद में रूम रेंट है 4000, तो रूम रेंट कीजिए। यहाँ से आ जाइए रूम रेंट पे 4000, ये भी आपका कैश हो जाएगा और यहाँ से एक्सेप्ट करा लीजिए। नेक्स्ट आपका जो है प्रोजेक्ट में क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है 1500 है, तो लाइक यहाँ से हम चल जाए इंटरेस्ट पे, ये भी आपका 1500 रुपये डालिए और यहाँ से एक्सेप्ट कराइए, सॉरी कैश हो जाएगा और यहाँ से एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट के बाद में एक है प्रोफेशनल फी 8000, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए। प्रोफेशनल फी जो है 8000 है, ये भी आपका कैश है। तो जितना भी एंट्री था हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एस्केप की से बैक आएंगे। अब हमको देखना है क्या जी, बैलेंस शीट। तो जाएंगे रिपोर्ट के नीचे, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट शो करेगा, इंटर कीजिए। आपका जो है जितना भी अमाउंट होगा बैलेंस शीट में तो वो आपको इधर दिखा देगा। बताया था लाइबिलिटीज की तरफ अगर शो करता है बैलेंस तो प्रॉफिट हो रहा है, और एसेट की तरफ शो करता है तो लॉस होता है। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बनाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।